सेक्रेट। जब भी उनको शॉपिंग करने जाना रहता है तो उनको पढ़ाई पर बिठा देते हैं और पढ़ाई करने के बोलते हैं, और ताकि हम देख ना पाए कि वो जा रहे, वो कहाँ जा रहे। पर अगर हमारे पास दादी है और दादी को बोल के जा रहे तो दादी से हम पूछेंगे पढ़ाई करने के बाद कि हमारी मम्मी पापा कहाँ गए, तो दादी तो बता देगी ना, तो उनका सीक्रेट क्लियर हो जाएगा। तो किड स्पीक का क्या मतलब होगा, कौन बताएगा? किड्स का मतलब है बच्चे और बेबी। एक मिनट मैं आया। स्पीक का मतलब फिर ये क्या है? आना तू ऑडिशन नहीं बनाना है क्या तुझे भी? डॉग की तरह जा रहा है तू भी। अभी हम एक गेम खेलेंगे, वो गेम का मैं रूल्स बताता हूँ आपको। इसके अंदर से एक एक जन चिट निकालेंगे और चिट के अंदर जो लिखा होगा उसके बारे में हम बातें करेंगे। हम लोग को फिश बोल में से चिट्स उठानी है और जो भी उधर लिखा हुआ रहेगा उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सो रेडी एवरीबॉडी? यस। कोई भी चिट निकालो। पॉकेट मनी। क्या होता है पॉकेट मनी, बताओ किसको पता है? मनी का मतलब है पैसा, पॉकेट का मतलब जेब। होता है ना मीन्स पैसा है वो अपने पॉकेट में, जो कैश होता है मनी। तो इधर क्या लिखा है? पॉकेट, पॉकेट मनी। तो वो मनी पॉकेट हम पॉकेट में रखेंगे। इजी। पॉकेट मनी कौन देता है? पापा और मम्मी। मम्मी के पास भी होता है और पापा के पास भी। आपके पेरेंट्स कहाँ पे मनी रखते हैं? मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे, बहुत। मेरी मम्मी और पापा के पास तो 100 बहुत इतने पैसे। पॉकेट मनी पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स को पॉकेट मनी क्यों देना चाहिए? आपको पॉकेट मनी क्यों चाहिए? क्योंकि भूख लगती तो हम बाहर से लेके आते हैं, फिर महंगा आता है तो रोते रोते अपने होम के पास आ जाते। डैडी बोलते क्यों चाहिए सारे पैसे, नहीं मैं एक पैसे दूंगा, खाली थोड़े से देते, फिर सारे देते तो ऐसे पैसे कमाते नाच नाच के। कितनी पॉकेट मनी मिलनी चाहिए? 20-30। मुझे 40-30। मुझे 50। तो 50 रुपीज रोज? कभी 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 कभी। 50 रुपी का क्या करोगे आप? 50 रुपी का हम कुरकुरे खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, मजे से चॉकलेट खाते हैं। चॉकलेट चिप्स भी पाइसी बासी वाला, पाइसी वाला। और 50 रुपीज में हम एक चीज खा सकते हैं, लॉलीपॉप। मुझे चॉकलेट चिप्स। तो पॉकेट मनी यूज होती है फॉर इमरजेंसी, फॉर शॉपिंग, फॉर फूड एंड फॉर हेल्पिंग। मीन्स किसी के पास कैश नहीं है तो हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं मनी से। हाँ। पॉकेट मनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जेब मनी। एक ऐसा मनी जिसको हम जेब में रख सकते हैं। जेब पैसा। अरे झूठा नहीं, कार्टून। मैं कार्टून देखूंगी, इधर लिखा है ना, हम कुछ भी कार्टून देख सकते हैं। शिनचैन, डोरेमोन। शिनचैन ऐसे भी करते हैं ना। तो कार्टून कौन कौन देखता है, कितने घंटे के लिए देखते हो? डोरेमोन और शिनचैन, बारबी। कार्टून देखना अच्छा होता है, पर हम लोग आधे घंटे के लिए देखेंगे तो हम लोग के आई को भी इफेक्ट नहीं होगा। मैं भी आधे घंटे ही देखती हूँ। आधे घंटे नहीं देखती, कार्टून देखेंगे ना, फिर सेम हम कार्टून की जैसे करने लगेंगे। शिनचैन डांस करता है ऐसे, बहुत अजीब, एकदम छोटा वाला डिंक चिका ऐसे नाचता है। डिंक चिका। बारबी में बारे में क्या होता है? मींस जो बारबी की फैमिली का आपको नेम्स पता है, बारबी का नाम तो बारबी है, तो उसकी छोटी सिस्टर का नाम चेल्सी है, तो नहीं और एक है उसका ना स्किपर है, और जो मैंने अभी बोलता था ना वो मीडियम वाली, तो उसका ना स्टेसी है। स्टेसी। देन स्टेसी की बात, उसके पापा का नाम है जॉर्ज। पेपा पिक में जॉर्ज है ना, उसका कॉपी की है। और उसकी मम्मी का नाम, उसका जो जॉर्ज है ना, तो उसकी मम्मी को वो हनी बोलता है। हनी हनी बी। हम नेक्स्ट स्टॉप।
ही चीट करो। डायनासोर, मुझे पता है डायनासोर कभी मरे, वो बहुत साल पहले मरे थे, जबी हमको भगवान ने बनाया ही नहीं था तभी तो वो मर गए। डायनासोर, डायनासोर मुझे नहीं पसंद, खाली भूत है। डायनासोर मुझे कुछ कुछ डायनासोर का नाम बताए चाहिए। ब्राउनोसॉरस टी-रेक्स सबसे डरावना है वो यार। डायनासोर की आवाज बहुत लाउड होती है और वो ऐसे करता है तो इतना उसका फायर निकलता है उसके माउथ में से। मैंने असली में कभी नहीं देखा डायनासोर, पर मैं दिमाग में हमेशा चलता रहता है, मस्ती करता है डायनासोर। डायनासोर बहुत ही डेंजर होता है, मेरी से भी हमेशा लातों में लेता हूँ तुम्हें, इसमें डायनासोर ही डायनासोर चलता रहता है। जी 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 जी। उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं और ये भी पैर भी और ये वाला पैर भी, और किसी को भी मार सकता है। और अगर कोई छोटू सा एकदम छोटू सा बेबी होगा और वो नीचे था, अगर वो नीचे होगा तो अगर वो उसके पैर से स्टैम्प हो गया तो पेरेंट्स सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब पता है? टॉप सीक्रेट। पेरेंट्स की कोई सीक्रेट होती है? पेरेंट्स का भी सीक्रेट होता है, जैसे हम बच्चों का होता है वैसे पेरेंट्स का भी एक सीक्रेट होता है। कभी भी उनको बाहर जाना रहता है तो हम लोग को सुला के जाते हैं और फिर वो अपना सीक्रेट नहीं बताते। हाँ, मुझे भी एक सीक्रेट होता है, जब भी उनको शॉपिंग करने जाना रहता है तो उनको पढ़ाई पर बिठा देते हैं और पढ़ाई करने के बोलते हैं, और ताकि हम देख ना पाए कि वो जा रहे वो कहाँ जा रहे। हाँ, पर अगर हमारे पास दादी है और दादी को बोल के जा रहे तो दादी से हम पूछेंगे पढ़ाई करने के बाद कि हमारी मम्मी पापा कहाँ गए, तो दादी तो बता देगी ना, तो उनका सीक्रेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर उनका कुछ खरीदने जाना होता है वो हम लोग को भी चाहिए रहता है, पर वो लोग हम लोग को दिलाना नहीं चाहते तो वो लोग कैसे चले जाते बोलते सब्जी ले। जब भी मेरे को कोल्ड कफ होता है पापा बोलते हैं आइसक्रीम मत खा, मम्मी तो भी खिलाती है। मुझे पापा का बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, पापा को पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ है और वो ही वाइफ मेरी मम्मा है। हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। दे मैं पढ़ूं। हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। सैटरडे संडे कैसे हम लोग को छुट्टी मिलती है? हाँ। जैसे कि आज सैटरडे तो हम लोग को स्कूल की छुट्टी है। हाँ। और कोई कोई स्कूल में तो सैटरडे को भी स्कूल होता है। आज हॉलीडे है ना, इसलिए आज छुट्टी है। मुझे तो दो दिन छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे। स्कूल की छुट्टी सैटरडे संडे आता है ना तो उस दिन छुट्टी होती क्लास। हाँ। स्कूल की भी, और बहुत मजा करते हम लोग। मेरी जो बहन और भाई की स्कूल, उसमें छुट्टी नहीं है सैटरडे को, क्योंकि वो भी बड़े ग्रेड में और स्कूल भी थोड़ी हाई है इसके लिए। मेरे स्कूल ने ना मेरे को 1 वीक की छुट्टी दी थी। कबीर बताओ समर हॉलीडे क्या होता है? समर हॉलीडे मतलब एक स्टार्टिंग में जो वीक स्टार्ट होती है ना, मंथ में वो मीन्स टू मंथ होता है। समर वैकेशन मतलब एक मंथ होता है तो समर वैकेशन। अगर मेरे स्कूल ने मेरे को 2 मंथ की दी तो समर। एंड रेनी वैकेशन भी होता है, मतलब अंदर रिमोट हॉलीडे में हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं। अक्टूबर में मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मेरे स्कूल की भी छुट्टी, तो आई विल गो दुबई। सितंबर में मेरा बर्थडे है और अभी सितंबर चल रहा है। हॉलीडे में आप क्या करते हो? मैं होमवर्क करता हूँ, खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, वापस होमवर्क करता हूँ, वापस खेलता हूँ, वापस खाना खाता हूँ। ये कौन सा वैकेशन है? कौन सा वैकेशन है ये? तू तो बोली मत, तेरा उससे गंदा है। पहले पढ़ाई करती थी जल्दी जल्दी, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर जो मम्मी बोलती, फिर मैं काम करती हूँ, फिर मैं फोन नहीं देखूंगी, फिर मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, खाली बैठूंगी और मम्मी की बात सुनूंगी। झूठ मत बोल।
बोल काव्या, इसको वैकेशन छोड़ी ना बोलते हैं, इसको तो घर में रहना बोलते हैं। अभी मान रही है तू मामा की बात? हॉलिडे अच्छी चीज है या हॉलिडे खराब चीज? अच्छी। हम अभी सभी जाएंगे, पहले तो तू ही जा, पहले तो तू ही जा।